वेलकम अगेन दोस्तों। अवाना फिल दवा के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। अवाना फिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए लेटेस्ट दवा है, बिल्कुल नई दवा है और इसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, इसलिए इस दवा के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जैसे आपने सिल्डेनाफिल सुना होगा जो कि वियाग्रा नाम से आती है, या तो टडालाफिल सुना होगा जो कि मेगालिस नाम से आती है, तो उसका ये अपडेटेड वर्जन है, उसके बाद आई है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ स्पेशल खूबियाँ होंगी। तो इसी दवा के फायदे नुकसान कैसे काम करती है इन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। अवानाफिल दवा की बात करें तो इंडिया में दो कंपनियां बनाती हैं या बेचती हैं, एक तो सिप्ला है जो अब नए 100 मिलीग्राम इस नाम से टेबलेट निकालती है, और एक जाइडस निकालती है अवा नेक्स्ट नाम से। तो ये दो ही कंपनियां अभी फिलहाल ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो सिर्फ 100 मिलीग्राम की टेबलेट देती हैं। वैसे इस दवा को 50 मिलीग्राम से स्टार्ट करना बेटर रहता है, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम या मैक्सिमम एक दिन में 200 मिलीग्राम ये अवानाफिल लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब इस दवा की बात करें तो ये दवा के साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही मतलब जल्दी असर करती है। तो अगर ऐसे कोई मेल है जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, पेनिस में इरेक्शन सही नहीं आ रहा है, तो सिल्डेनाफिल लेते हैं या टडालाफिल लेते हैं तो काफ़ी समय लगता है, उसमें कम से कम 1 घंटे वेट करना रहता है, कुछ लोगों को 45 मिनट, कुछ लोगों को 1.5 घंटे वेट करना रहता है। लेकिन ये दवा में क्या होता है कि इसका एक्शन फास्ट है। तो अगर अवानाफिल, ये जो दवा के बारे में बता रहा हूँ, ये दवा सिल्डेनाफिल और टडानाफिल से 3 मामलों में बेहतर, ये इसका 3 मेजर इसका यूज है। इसलिए अगर आप ये जो दवाई मैंने बताया कि अब नेक्स्ट या अब नैर करके जो टैबलेट्स अगर आप ये लेते हैं, तो एक तो इसका एक्शन बहुत तेज है। कितनी देर में सर आएगा? 15 मिनट में। तो आपने दवा खाई और 15 मिनट बाद ही इसका असर आने लगा, ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा कि ये ब्लड से निकल भी जल्दी जाती है, 4 घंटे के अंदर शरीर में से निकल जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए बहुत सुटेबल है जो कभी कभी जिनको जरूरत है ये अवानाफिल टैबलेट, उस तरह के लोगों के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि जल्दी शरीर से निकलेगी तो साइड इफेक्ट भी कम आएंगे। तो जो दूसरा एडवांटेज यही है कि इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि टडालाफिल सिल्डेनाफिल के मुकाबले अवानाफिल जो दवा है उसमें साइड इफेक्ट कम आते हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि ये जो दवाइयां हैं सिल्डेनाफिल टडालाफिल या अवानाफिल, ये फास्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर है, लेकिन ये अवानाफिल हाईली सिलेक्टिव फास्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर है। इसलिए जो आंख के अंदर विजन का कम होना या ब्लू विजन होना, ये समस्या इस दवा के साथ बहुत ही कम होती है। और दूसरी एक ब्लड प्रेशर की समस्या, जो बीपी कम हो जाता था टडालाफिल या सिल्डेनाफिल के साथ, वो समस्या नहीं आती। तो ऐसा कह सकते हैं कि अवानाफिल में जो आंखें खराब होने का रिस्क है वो बहुत ही कम रहता है या नहीं रहता, और ब्लड प्रेशर कम होने का जो रिस्क होता है, क्योंकि ये सेलेक्टिवली काम करती है। फास्फोडाइस्टरेज 5 जो होता है उसको इनहिबिट करती है, फास्फोडाइस्टरेट जो 6 होता है उसको इनहिबिट नहीं करती। फास्फोडाइस्टरेट 6 की वजह से आंखें खराब होती हैं और PD1 की वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये बड़ा इसका इम्पोर्टेंट एक एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि दवाइयों के साथ ये कम इंटरेक्ट करती है, क्योंकि शरीर में से निकल जाती है। तो होगा क्या कि कोई क्रोनिक बीमारी, जैसे किसी को लीवर किडनी हार्ट की कोई दवा चल रही है, कोई और एंटीबायोटिक वगैरह चल रही है, तो उस कंडीशन में ये दवा ली जा सकती है। क्योंकि हो सकता है कि दवा आपको सुबह शाम या रात में या दिन में एक बार लिखी गई हो, तो वो ड्यूरेशन ये से पहले ये दवा आपके शरीर में से निकल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कोई समस्या हो, बीमारी हो, उनमें लिखी जाएगी, क्योंकि दवा से इंटरेक्ट भी नहीं करेगी और इसका साइड इफेक्ट भी कम आता है। तो मोटा मोटा एडवांटेज इस अवानाफिल जो नई लेटेस्ट दवा इसका ये है, जल्दी काम करती है, शरीर में से जल्दी निकल जाती है, साइड इफेक्ट कम आते हैं, तो इसलिए ये बड़ा एडवांटेज वाली एक दवा है। काम कैसे करेगी? तो अगेन ये एक फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है, तो जैसे वियाग्रा वगैरह करती है, सिल्डेनाफिल टडालाफिल करती है, ऐसे ही ये जो पेनिस का टिश्यू होता है, वास्कुलर टिश्यू होता है, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ाती है, उससे इरेक्शन आ जाता है। तो ये अवानाफिल दवा है वो ऐसे काम करती है। एक चीज जरूर आप समझें कि ये सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम आती है, इससे टाइमिंग स्टेमिना या स्पर्म काउंट वगैरह नहीं बढ़ता, और ये फीमेल के यूज की नहीं है। आप कैसे खाना है, कितनी देर पहले खाना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इसको 15 मिनट या 20 मिनट पहले खा लोगे तो भी काम हो जाएगा, काफ़ी तेजी से ब्लड के अंदर जाती है, लेकिन खाली पेट खाना होगा।
खाली पेट ही असर करती है। भरे पेट में इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी डिले होगा, फिर ये काम नहीं करेगी। और दिन में सिर्फ एक ही बार लेना है और इसको लगातार नहीं ले सकते, लगातार लेंगे तो इसका असर कम हो जाएगा और साइड इफेक्ट भी आएगा। तो इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, आवानाफिल या सिल्डेनाफिल, ये कंटिन्यू नहीं यूज होती। जो लोग लगातार लेना चाहते हैं उसके लिए टडालाफिल फिर भी बेटर रहती है। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें, जैसा मैंने बताया कि साइड इफेक्ट थोड़े से कम रहते हैं कंपेयर करें अगर सिल्डेनाफिल के मुकाबले या टडालाफिल के मुकाबले, पर ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं आते। इसमें भी काफ़ी तरह के साइड इफेक्ट आते हैं लेकिन सीवियरिटी थोड़ी सी कम रहती है। वजह यह है कि ये शरीर से जल्दी निकल जाती है। तो साइड इफेक्ट जो कॉमन आते हैं, सिर दर्द का होना, फ्लसिंग होना, चेहरा लाल पड़ जाना, गला लाल पड़ जाना, गर्म हो जाना, नाक बंद हो जाना, गला खराब हो जाना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, तो यही कॉमन कुछ साइड इफेक्ट है। अब प्राइस की बात करें तो ये दवा बाकी दवाइयों के जैसा ही है। इसकी भी एक के जो टैबलेट है आपको 60 से 70 रुपए के बीच में मिल जाएगी, 100 मिलीग्राम वाली। और आपको डोज कितना खाना, अगर इसकी बात करें तो इस तरह की दवाई जो होती है इनको मिनिमल डोज से स्टार्ट करना रहता है। इसमें आपको ये समझना है कि ज़्यादा डोज का मतलब ज़्यादा ये असर करेगी, ज़्यादा पेनिस हार्ड होगा, इरेक्ट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़रूरत है। तो 100 मिलीग्राम की जैसे मतलब टेबलेट होती है तो आप आधी लें, 50 मिलीग्राम पहले ट्राई करें, फिर 100 ट्राई करें, जिसमें बढ़िया है वो चीज़ आप लें। अगर उससे भी काम ना चल रहा हो तो मैक्सिमम दिन में 200 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, मतलब कि एक टैबलेट को 2 बार ले सकते हैं इकट्ठे। तो इस तरह से ये डोजिंग रहती है, ये काम इस तरीके से करती है। आप ये समझें कि आपको मिनिमम डोज इसको अपने से ही डिसाइड करना, अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट करके। और ये भी समझें कि 100% सारे लोगों को काम नहीं आएगी। और दूसरा ये कि थोड़े दिन बाद ये काम करना बंद कर देगी अगर आप इसको बार बार या जल्दी जल्दी यूज करते हैं। तो ये आवानाफिल लेटेस्ट जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए टैबलेट है, उसके बारे में जानकारी हो गई। थैंक यू।